पति की मौत के बाद पिछले 30 दिनों से ससुराल वालों ने किडनैप करके रखी महिला को पुलिस ने छुड़ा लिया है। यह मामला मझीन पुलिस चौकी के तहत घट्टा के ढल गांव का है। इसकी जानकारी तब लगी जब उक्त महिला की बहन वहां पहुंची। अब पीड़ित महिला को उसके मायके भेज दिया गया है। दरअसल 30 दिन पहले गंभीर बीमारी से पति की मौत के बाद महिला के सौतेले बेटे व बेटियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि महिला का फोन भी छीना गया और मारपीट भी की गई। घटना की पुष्टि डीसीपी ज्वालामुखी आरपी जसवाल ने की है। तारीख जो दाग हुए मेरे आदमी दे, 22 तारीख जो मुझे को मारा, जान की धमकियां दी मारने की, और उन्होंने बोला जान से मार देना, मेरा बाप आपने मारा है। जेठानी का लड़का रविंदर, मेरा बेटा सतेली सोपन का, और उसकी 2 लड़कियां हैं, और एक मेरी ननद का लड़का देशराज टीरिये थे, और एक मेरा जुआई है, उसने कल भी रात को मेरे को पीटा, उसका नाम है प्रदीप कुमार पुन्ने थे, और मेरे को जब भी बात करते थे तो फोन इधर ऑन करके रख देते थे, और मेरे को रस्से से बांध कर सारा कुछ कमरे में कुंडी लाकर बंद करके रखा, जोर जोर से मारते थे, मेरे को बोलते थे बोल नहीं तो तेरे को जान निकाल दूंगा, ऐसे बोला मार दूंगा डांग से, बोल मेरे डैडी आपने मारा, मैंने बोला मैंने मारा है, बोले तू कितने बंदे से रहती है, मैंने बोला नहीं रहती है, बोले तो तुझे जान से मार दूंगा, इधर लात रखी लड़की ने ऊपर रखी रखी रखी, और बोला मार दूंगा, मैंने अपनी जान बचाने की खातिर बोल दिया, हाँ मैंने किया ऐसे, और मेरे से कागजों पर लिखा कर लेते रहे, बोला अगर लिख के नहीं देगी तो तेरे जान से आज रात को खत्म कर देंगे, मेरे घर के नीचे स्टोर है उसमें बांध के रखे थे, लत्तों भी बांधी थी, ये भी बांधे थे, और गल भी घुट दिया था, और ऊपर चढ़ के मिर्चे और नक्के पानी और मुंह में कपड़ा डाल दिया। और इनको जिनके साथ मारपीट हुई क्या लगते हैं आपको, आपके क्या लगते हैं? मेरा नाम श्री प्रेमचंद है और मैं रैल का रहने वाला हूँ। हमें अपना फोन भी अपना वहाँ गाँव वाला हूँ से किसी का फोन आया था, उन्होंने बोला भी आपके अपना जो बहन है उसकी मारपीट की है बहुत, और अपना तीसरे दिन ही मारपीट करना शुरू कर दी थी घर वाले के मरने के। कौन सी जगह? कट्टा में डड़ा में। तो हमने किसी से पता किया, अपना फोन करते रहे, किसी का अपना कोई पूरा पक्का पता नहीं अपना लगा, और इसके फोन पे बात नहीं होती थी, इसके फोन दोनों इन्होंने चोरी कर दिए थे। और उसके बाद अपना गाँव में अपना एक चाचे का लड़का हमारे का वहाँ पे रहता है, उसको हमने फोन किया था कि ऐसे ऐसे बात है, उसने कहा कि पता तो लगा है और डॉक्टर मजीण में लगा, उससे भी हमने कंफर्म किया था, तो उसने कहा कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं वो, और ना फोन कोई उठा रहा है ना वो फ़ोन पे कोई बात हो रही है, और ऐसे सुनने में आया है कि लोग अपना वहाँ के कह रहे हैं कि उसकी मारपीट बहुत हो रही है, और हो सकता है 2-4 दिन में वो उसको ख़त्म कर दें। इसमें हमने पता किया कि कौन कौन है, बोले कि उसकी एक जठानी है जिस दिन शादी हुई थी उसके साथ वो साथ में थी, और उसका एक लड़का, उसके नूँह, और इसके अपना जो पहले अपना घरवाली थी उसकी 2 लड़कियां और लड़का, ये बताए गए पे इन्होंने ये मारपीट कर रहे हैं। और जब हमें कल आज सुबह पता लगा तो हमने अपना कन्फर्म किया, इसकी बहन को बताया, सगी बहन थी अपना पड़ोली में, उसको कहा हमने कि ऐसे ऐसे बात है और आप जाओ और पता करो, और जाना तो ऐसे मत जाओ, विद पुरुष लेकर जाओ, मगर इन्होंने बोले कि नहीं हमारी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले, इन्होंने बात कराई है फ़ोन पे, उन्होंने स्पीकर ऑन करके बात करवाई और पता लगा कि वहाँ पे उन्होंने डंडे रखे हैं, डंडे के जोर से इससे लगवा रहे थे। उसके बाद फिर ये उसकी बहन वहाँ पे पहुँची, उसके बाद पता चला कि ऐसे ऐसे है और वहाँ पे उसको मारपीट हुई है।